नमस्कार दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर सह धरित्री अपराह्न को स्वागत करछु नक्षत्र प्रथम हेडलाइंस वायनाड भूस्खलन में 151 छुईला मृत्यु संख्या आग को आहुरी बढ़िबा नै सूचना 100 अधिक निखोज उद्धार कार्य नियोजित नौसेना सेना एनडीआरएफ प्रबल वर्षा सांग को पानीर प्रखर स्रोत उद्धार कार्य देउछि बाधा पारादीप्रे अटकिला चीन जहाज जहाज को अटक रखा हाइकोर्ट को निर्देश आडमिरालिटी आईन आधार में जहाज को गिरफ्तार पदक्षेप लो सल्फर मैरीन गैस ऑयल कारबार को नहीं उभय ट्रेडिंग संस्था और जहाज कर्तृपक्षों मध्य होता बिवाद अक्टोबर 7 रो प्रतिशोध नेला इज्राएल ईरान राजधानी तेहरान रे हमास मुख्य इस्माइल हानिया मृत्यु सूचना दीर्घ 9 मास धरी चली आसुवा युद्ध में इज्राएल को मिलला बड़ सफलता पर्यटकों पर खुशी खबर आसंता कालिठू खोल भितरकनिका जातीय उद्यान मे 1 तारीख रु जुलाई 31 तीन मास धरी बंद रही उद्यान एथर प्रथम करी निर्माण करा जाएछि स्काय वॉक आजु बढ़ वर्षार परिमाण 5 जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता सेपटे आउ एक घूर्णिवलय सृष्टि नहीं भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान घनीभूत हो नहीं पारे लघुचाप रूप वर्तमान देखा संपूर्ण खबर केरल वायनाड रे भूस्खलन में बढ़िबार लगी मृत्यु संख्या 151 पहुंची मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबा आशंका रही 100 अधिक निखोज अछंती एबे भी निखोज थिबा अनेकों को खोजा चली गुरुतर मानंकु तुरंत चिकित्सा जोगाइबाकु चुराल मालारे अस्थायी डाक्तरखाना स्थापन करा जायछि वर्षा सत्वे रेस्क्यू ऑपरेशन जोरदार करा जायछि प्रति मुहूर्त उद्धारकारी दल तरफ अपडेट सूचना दिया जाउछि रिलीफ और उद्धारकारी माने फसी रही लोकों उद्धार करी आणुछंती उद्धार कार्य नौसेना सेना एनडीआरएफ को नियोजित करा जायछि पानीर प्रबल स्रोत रे चुरालमाला को आटामाला और मुंडा काई को संजोग करुथिबा पोलो धोई जाइछि एहा सह प्रबल वर्षा लागि रहिछि फळरे घटनास्थल रे रेस्क्यू काम पई बाधा उपजुछि आजि अति प्रबल वर्षा पई वायनाड रे रेड अलर्ट जारी होइछि अक्टोबर 7 रो प्रतिशोध पूरण करिछि इजराइल ईरान राजधानी तेहरान रे हमास मुख्य इस्माइल हानिया को हत्या करा जायथिबा नै ईरान रो टीवी चैनल पक्षरु दाबी करा जायछि या फलरे दीर्घ 9 मास धरी चली आसीथिबा युद्ध रे इजराइल को एक बड़ सफलता मिलिछि ईरान रे हमास मुख्य को इजराइल हत्या करिथिबा कुहा जाउछि ईरान रो राजधानी तेहरान रे इस्माइल हानिया रहिथिबा घर को इजराइल उड़ाई देथिबा दाबी करा जाउछि फलरे हमास मुख्य इस्माइल हानियांकर मृत्यु घटिथिबा कुहा जायछि ईरान रो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरस बा आईआरजीसी पक्षरु एक बयान जारी करी कुहा जायछि हानियार अड्डा स्थल को टार्गेट करी एही आक्रमण करा जायथिला फलरे हमास मुख्यंकर मृत्यु घटिथिला एथि सहित हानियांकर जणे बॉडीगार्डकर मध्य मृत्यु घटिथिबा कुहा जाउछि आज सकाळ समय रे एही आक्रमण करा जायथिबा कुहा जाउछि तबे आक्रमण रे मृत्युवरण करिबा पूर्वरु इस्माइल ईरान रो नुआ राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह रे शामिल होइथिले सही समय रे हानिया ईरान रो सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को सह साक्षात करिथिले गत एप्रिल मास रे इजराइल रो सुरबल पक्षरु हानियांक तीन पुत्र को मध्य हत्या करा जायथिला सूचना योग्य जे गत वर्ष अक्टोबर 7 रे हमास इजराइल उपरे आक्रमण करथिबा बेले सही आक्रमण रे 1200 लोकंकर मृत्यु घटिथिला हमास 250 जन नागरिकंकु बंदी करिनेथिला एबे भी 150 बंदी हमास कब्जा रे रहिथिबा दाबी करा जाउछि अन्य पक्ष रे वर्तमान सुद्धा 39,000 रु अधिक फिलिस्तीनी नागरिकंक मृत्यु घटिथिबा इजराइल पक्षरु दाबी करा जायछि पारादीप बंदर को आसीथिबा चीन जहाज अटक जहाज को अटक रखिबाकु सोमवार हाईकोर्ट निर्देश दैथिले जदि तुरंत एहाकु अटक न जाए एही जहाजटी पारादीप बंदर छाड़ी देबार आशंका रही तेणु तुरंत जहाज को अटक रखिबाकु सोमवार हाईकोर्ट निर्देश देछंती सूचना अनुजाई आवेदनकारी संस्था स्कैंडी ट्रेडिंग लिमिटेड को जहाज मालिक 89,81,553 टंका प्रदान न करिबारु से हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले विचारपति जस्टिस वी नरसिंह शुणाणी करी एही निर्देश देथिले परवर्ती सुनाणी अगस्त 1 को धार्य होइछे आडमिरालिटी आईन आधार रे जहाज को गिरफ्तार पदक्षेप निया जाइछे जणा पड़िछे जे लो सल्फर
ମ୍ୟାରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଏଲ୍ କାରବାରକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଆବେଦନକାରୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜାହାଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାହାଜକୁ ଗତକାଲି କୁଜଙ୍ଗ ଦୌରାଜଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଅଟକା ଯାଇଛି। ଜାହାଜଟି ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦରରେ ଅଟକ ରହିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ତିନି ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଭିତରକନିକା ଖୋଲୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମେ ଏକ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ହିଂସ୍ର ରହୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଭିତରକନିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସ୍କାଏୱାକ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଭିତରକନିକା ଖୋଲୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ଭିତରକନିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବୋଟ୍, ହୋଟେଲ, ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଷୋହଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଏକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସମୟ ସରିଛି, ଧରିତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.dharitri.com। ନମସ୍କାର।